अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा ज्ञान में। और आज की जो वीडियो है दोस्तों, ख़ास तौर से उन पुरुषों के बारे में है जो बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी अब हो गई है और पेट भी ख़राब हो गया है। हस्तमैथुन के कारण जो पेट की जो समस्या होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है परेशानी। और उसके अलावा ये भी दिक्कत रहती है, जब वो किसी नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो पेट की समस्या पहले बनी रहती है, जैसे कब्ज होने लगता है, कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये जो नुस्खा है खास तौर से दोस्तों, कब्ज नहीं होने बनने देगा। सबसे पहली बात तो कब्ज की समस्या इस नुस्खे के साथ में बिल्कुल नहीं होगी। तो ये जो जड़ी बूटियां हैं आपके सामने, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो है ये है सिंघाड़ा, खुश्क सूखा हुआ सिंघाड़ा है ये, हम 20 ग्राम इस नुस्खे के अंदर लेंगे और ये वीर्य विकारों को दूर करता है, वीर्य को गाढ़ा करता है। इसके बाद फली कीकर लेंगे हम, कीकर की फली का इस्तेमाल करेंगे 20 ग्राम इस नुस्खे के अंदर, ये भी वीर्य को गाढ़ा करने के लिए बहुत लाजवाब दवाई है। इसके बाद हम लेंगे शतावर, तीसरी चीज़ जो है वो है शतावर, और शतावर हम इस नुस्खे के अंदर लेंगे 20 ग्राम की क्वांटिटी में। और दोस्तों इससे अगली जो चीज़ है वो है बेहमन सुर्ख, बेहमन सुर्ख इस तरह की एक लकड़ी होती है, ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है, तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे इस नुस्खे के अंदर 20 ग्राम की क्वांटिटी में। अब अगली जो चीज़ है वो है विदारी कंद, विदारी कंद भी हम लेंगे जो है 20 ग्राम इस नुस्खे के अंदर, ये सफ़ेद कलर में बहुत हल्के वजन में होती है। अब इसके बाद जो है सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल होएगा इस नुस्खे के अंदर, वो भी 20 ग्राम की क्वांटिटी में। और इससे अगली जो चीज़ है दोस्तों वो है सालम मिश्री, ये हम इस नुस्खे के अंदर 10 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। और यह गोंद, एक तरह का गोंद है, गोंद कुंदूर इसको बोलते हैं, ये भी हम 10 ग्राम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, ये भी वीर्य को गाढ़ा करता है, वीर्य विकारों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब इससे अगली जो चीज़ है वो है दोस्तों कोंच बीज, कोंच बीज आपने पहले भी देखे होंगे, तो कोंच बीज हम इस नुस्खे के अंदर 20 ग्राम इस्तेमाल करेंगे और इनको शुद्ध करेंगे, क्योंकि इनका जो है छिलका उतारना होता है। और इससे अगली जो चीज़ है दोस्तों वह है अश्वगंध नागौरी, अश्वगंधा इसको बोलते हैं, तो ये हम इस नुस्खे के अंदर जो है इस्तेमाल करेंगे 20 ग्राम की क्वांटिटी में। ये जड़ी बूटियाँ तैयार हो गई हैं। अब इसके अंदर जो है हम इस्तेमाल करेंगे यह हरड़ का छिलका, ये त्रिफला लेंगे एक तरह से, और बहेड़ा का छिलका, और ये आंवला, सूखा हुआ आंवला, तो तीनों चीज़ त्रिफला कहलाती है। अब हम इसके अंदर त्रिफला ऐड कर देंगे, क्योंकि पेट की समस्याएं जो होती हैं खास तौर से गैस तेजाब बढ़ने की समस्या हो सकती है नुस्खे के साथ में। इसके अलावा एक कॉमन समस्या हस्तमैथुन करने वाले मरीजों के साथ में ये होती है कि उनको कब्ज की शिकायत हो जाती है, आंतों की मूवमेंट खराब हो जाती है तो कब्ज बनने लगता, तो ये कब्ज को नहीं बनने देता त्रिफला, ये बहुत फेमस दवाई है इस तरह की परेशानियों के लिए। तो नुस्खा बनकर तैयार है जो है, इसको अच्छे से हमल दस्ते की मदद से बारीक कूट कर पीस कर और इसको इसके अंदर मिलाकर बारीक कूट कर जो है नुस्खा तैयार कर लीजिएगा। इसके अंदर जो है हम मिश्री ऐड करेंगे, कूजे वाली मिश्री है 50 ग्राम की क्वांटिटी में, अगर शुगर की परेशानी है तो फिर मिश्री इस्तेमाल ना करें। नुस्खा आपका तैयार है, लेने का तरीका जान लीजिएगा। लेने के तरीके अगर बात करता हूँ तो सुबह खाली पेट ले लेंगे एक चम्मच, कम से कम 5 ग्राम, रात में खाना खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करेंगे 5 ग्राम की क्वांटिटी में। और इस दौरान आपको परहेज करना है, जैसे मीट मछली अंडा वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी है, और इसके अलावा बाहर का खाना नहीं खाना है, और इसके अलावा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, बादी चीज़ों का इस्तेमाल इस नुस्खे के दौरान नहीं करना है। और अगर कितने दिन इस्तेमाल करना है, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे इस बारे में, तो इसलिए मैं बता देता हूँ, अगर आप अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो कम से कम 2 महीने इस नुस्खे को लगातार इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदा ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए।